तो चलो जब यहाँ तक आए तो मंदिर तक भी जाता हूँ ऊपर तक, तो बराबर में हाथी का ट्रैक है, हाथी आते जाते हैं साल में एक दो बार। चलो मंदिर चलते हैं। चलो यहाँ पे शूज उतारने पड़ेंगे। ओम भद्रम शुभम चास्तु महालक्ष्मी श्री दक्षं दुदां सदा शुभदां शक्ति सुखिनार भवं प्रसादं गीयतां देवीं लक्ष्मीयसिनां गुरु ओम देयं दिखिलं। यहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है लेफ्ट साइड से। वाह, इसके चारों तरफ जंगल ही जंगल है। यहाँ पर एक बाबा जी रहते हैं। स्वामी जी नमस्कार। तो स्वामी जी हैं यहाँ पे, कुछ लोग मिल रहे हैं स्वामी जी से। काफी अच्छा लग रहा है, काफी अलग अलग तरह के लोग आए हुए हैं आज इनके साथ घूमने में मजा आ रहा है। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ ज्यादा से ज्यादा घूमना चाहता हूँ। सब लोग तो इकट्ठे खड़े हो गए हैं उधर, पर मैं चाह रहा हूँ कि इस एरिया को जल्दी से जल्दी घूमूं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, फिर ये लोग वापस चलने शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे एक कोयल बर्ड है जो कि इस पर बैठी हुई है। ये रास्ता जंगल में जा रहा है, सीधा सीधा जाता जाता चला जा रहा है। अरे अरे वुडपेकर। चीड़ का पेड़ है, फिर उधर आम के पेड़ है। क्या शुरू हो जाता पंडित जी? अच्छा अच्छा, लेपर्ड का। अरे वाह वाह, तो हाथी भी आ जाते हैं इधर? हाथी अब नहीं आते, पहले आते थे। अच्छा अच्छा, चलो आज अंकल जी मिले, आज इनके भी फोटोग्राफी कर देता हूँ काफी। एक बार आपको ओपन करके हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, ऐसा खींचूंगा। हाँ 1 2 3 बहुत बढ़िया। अच्छा, अरे वाह, जंगली सूअर बहुत। काकड़ भी है ना? काकड़ तो बहुत है वहाँ। हाँ जंगली सूअर तो है, बल्कि अभी तो आप आ गए ना, अभी थोड़ी देर पहले तक तो इधर में दाना वगैरह डालता हूँ ना। हाँ। मोरों का ढेर लगा रहता है और जंगली मुर्गे तो है। इधर पूरा डरते उठते नहीं है, मेरे से नहीं डरते। यही चीज होती है, वो समझ के उसको से वो अपना एक सदस्य मान लिया, तब जानवर कुछ नहीं करता। तो नहीं कुछ जब वो समझ जाता है ये मुझे नुकसान नहीं कर, नहीं कुछ नहीं करता, कम्युनिटी बन जाती है। मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे खड़े रहेंगे। अच्छा, अरे वाह अरे वाह अरे वाह। यहाँ पर एक स्वामी जो रहते हैं, और जो एक दुबे जी हैं ब्रजभूषण दुबे यूट्यूबर, वो भी यहाँ पे आए हैं। एक आयुर्वेद वाले भी हैं, उनकी भी वीडियो बनाई थी, इनकी भी बनाई थी, इनका नंबर डाल दिया था यूट्यूब पे, तो काफ़ी लोगों ने इनको परेशान किया, कह रहे फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि नंबर हटा दो, तब उन्होंने नंबर हटाया नहीं हटाया। खैर अब तो इतनी कॉल आती नहीं है। अच्छा, पुराना पार्ट था। हाँ हाँ, पुराना टेम्पल का। अच्छा, तो अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें पुराने स्टैचूज वगैरह जो सेम ब्रिक वर्क। अच्छा, बहुत पुराने हैं। अच्छा, सेम ब्रिक वर्क है। लेकिन क्या हुआ कि ये टेम्पल जब बनाया गया, मतलब यही पुराना टेम्पल था, ये बाद में बना, लेकिन अब उनके पास है तो अच्छा टाइल्स लगा दिए। तो लखोरी ब्रिक वर्क बोलते हैं इसको, काफ़ी पुराना है। लोग इसको देख रहे थे तो मुझे भी उत्सुकता हुई, हालांकि इन्होंने लॉक किया हुआ है। ये देख लीजिए, ये यहाँ पे कुछ स्कल्पचर रखे हुए हैं, काफ़ी पुराने। तो स्वामी जी भी जो यहाँ बता रहे हैं कि लेपर्ड तो यहाँ पे मेन नॉर्मल चीज़ है, दिख जाते हैं ऐसे ही, हालाँकि दिखने लाजमी है, काफ़ी घना जंगल है। और मोर वगैरह, रेड फॉल और बाकी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर दिखती हैं। तो काफ़ी लोग हैं, अब धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, मैं भी टाइम वेस्ट नहीं करके नीचे की तरफ जाता हूँ।
लेट्स गो बैक। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा बाला सुंदरी के बारे में बताता हूँ। हम लोग अभी मंदिर में थे। सो बाला सुंदरी जो माता है वो त्रिपुरा सुंदरी जो माता है उनका बाल रूप है। जैसे हम लोग को मालूम है कि हिंदुइज्म में एक टसल है कि हु इज द सुप्रीम, शिवा और विष्णु। तो एक्चुअली एक और चीज़ की सुप्रीम है जो बिलीव की शक्ति इज द सुप्रीम, और दोज़ हु बिलीव की शक्ति इज द सुप्रीम दे प्रे त्रिपुरा सुंदरी। वो त्रिपुरा सुंदरी की पूजा करते हैं, और जो त्रिपुरा सुंदरी का ही बाल रूप है वो है बाला सुंदरी। तो जो आपका शक्ति ट्रेडिशन है, जो शक्ति ट्रेडिशन है उसमें ये जो हम लोग इन चीज़ों में बिलीव करते हैं कि जो नागा सो लोग जो जिनकी पूजा करते हैं दैट इज़ ऑल्सो शक्ति ट्रेडिशन में, तो वो लोग उनकी बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं, और ये सब उसी से है। इसीलिए यहाँ पे एक बाला सुंदरी का मंदिर भी है, और ये सब तो जो जब त्रिपुरा सुंदरी की पूजा होती है तो कहते हैं कि जब आपको उसकी पूजा करनी है तो उससे पहले आपको बाला सुंदरी की पूजा पे अपने आप को प्रूव करना है। मतलब यू हैव टू फर्स्ट प्रे बाला सुंदरी, यू हैव टू एक्सेल इन दैट, एंड आफ्टर दैट यू विल मूव टू त्रिपुरा सुंदरी, तब आप त्रिपुरा सुंदरी की पूजा करने लगेंगे। तो जो ये मंदिर है, तो जो मैं नागा साधुस का बता रहा था, तो एक स्टोरी एक चीज़ ये भी हो सकती है कि यहाँ पे वो लोग रहते थे, फर्स्ट दे प्रैक्टिस देयर पीनेंस हेयर बाला सुंदरी अंडर दी सुपरविजन ऑफ बाला सुंदरी, और उसके बाद फिर वो लोग मूव करके त्रिपुरा सुंदरी पे जाते थे, त्रिपुरा सुंदरी की पूजा करते थे। उसके अलावा यहाँ पे जो आपके हिंदुइज्म में अलग अलग तरीक़ों से पूजा होती है वो भी हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ सकते हैं। हिंदुइज्म में कहते हैं कि जो आपकी शक्ति ट्रेडिशन है इसमें ये बिलीव किया जाता है कि पूजा या तो वेदा वाली तरीकों से होती है कि जिसमें वैदिक पूजा होती है। आपको कहीं नहीं जाना, जस्ट टेक अ लेफ्ट, प्लीज ट्राई टू फॉलो द कॉन्वॉय। और यहाँ से भी आई वुड रिक्वेस्ट अगर आप लोग कम से कम गाड़ियाँ ऊपर लेके जाएं, बिकॉज द रोड बिकम्स स्लाइटली नैरो, इट इज ड्राइवेबल थोड़ा सा। वापस हम थानो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस आ गए हैं। सब लोग वापस अब अपनी कार पिक करके 7 किलोमीटर थानो टॉप पे जाना है। शायद मैं वहाँ पे पहले भी गया हूँ, विशाल फॉरेस्ट रेस्ट, विशाल होम स्टे है वहाँ पे। वहाँ पे एक नाग देवता का टेंपल है और एक मचान बनी हुई है, तो मचान पे जाएंगे। तो अभी अभी धीरे धीरे थानो टॉप पे जा रहे हैं। करीबन 7 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। सब यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब मेरे को नहीं पता यहाँ से कहाँ पे जाएंगे। तो फाइनली ये है वो जगह जहाँ पे हमें आना था, और सब लोग आ चुके हैं धीरे धीरे। वहाँ से तो कार पूल करके आए हैं क्योंकि पतला रास्ता था ना। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है पुण्य सिनी माता मंदिर नागराज वेसरकुंडा देवी, कोई नाग देवता का मंदिर है। हमें साइड से जाना पड़ेगा क्योंकि बंद है यहाँ पे। यहाँ पे विक्रांत भाई मिले जो कि लॉयर हैं देहरादून हाई कोर्ट में। तो मेरे हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट बोलते हैं ना। क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है? हाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट तो नैनीताल में। नैनीताल में। तो ये मेरे साथ ही आए बाइक पे, नीचे कार पार्क कर दी थी क्योंकि ये ऊपर हिल का रास्ता था पूरा, तो एक ही साथ आ गए बाइक पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा उदित भाई गाइड करेंगे, फिर आगे की तरफ मूव करेंगे। यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर ही जाना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना। यहाँ से जाएंगे थानो टॉप के लिए, बट उससे पहले एक और स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी विच आई नी विच आई थिंक दैट यू विल बी इंटरेस्टेड टू नो। इट्स अबाउट अ डकैत, डाकू। सो व्हेन वी स्टार्टेड टुडेज वॉक, मैंने आप लोग को बताया था कि कैसे थानो एक टाइम पे वॉज दी ओनली रूट टू रीच डाउन दी वैली। वैली तक आने के लिए सिर्फ यही रास्ता था, और इसी वजह से इस रास्ते में डकैती भी बहुत ज़्यादा होती थी। तो ये जो डकैती कहानी है इसके दो वर्जन हैं। एक वर्जन जो कॉलोनियल रिकॉर्ड्स में हमें मिला, जिस वर्जन के अकॉर्डिंग वो एक डाकू था जो कोल्ड ब्लडेड था, मार देता था और ज़िंदा नहीं छोड़ता था किसी को भी, जो उसके रास्ते में आया वो ख़त्म। दूसरा वर्जन हमें मिला जिस वो ट्राइब का था, वो ट्राइब बिलीव करती है कि वो तो सुल्ताना डाकू से भी ज़्यादा बड़ा नाम था, और
वो एक रॉबिन हुड टाइप की फिगर था जो डकैती करता था सिर्फ इसलिए ताकि अपनी जो ट्राइब थी उनको सपोर्ट कर सके, उनको खाना प्रोवाइड कर सके। ये ट्राइब थी वन गुज्जर्स। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने वन गुज्जर्स के बारे में कभी सुना है, नाम सुना है? तो वन गुज्जर्स जो ट्राइब है वो मूव करती रहती है, हम लोगों को मालूम है। समर्स में वो उत्तरकाशी और जो अपर हिमालय से वहाँ चले जाते हैं बुग्याल्स में, एंड विंटर्स में वो देहरादून और जो ये आसपास के एरिया है मोहन के पास वहाँ पे रहते हैं, सहारनपुर तक। तो ये जो हमारा डाकू है इसका जो है ये इसी कम्युनिटी का था, इसी ट्राइब का था, वन गुज्जर ट्राइब का। और जब हम रिसेंटली वन गुज्जर ट्राइब से बात कर रहे थे, हम लोग वॉक भी करी है हमने वन गुज्जर, सो एट दे टोल्ड अस अबाउट द स्टोरी ऑफ दिस डाकू। और उन्होंने बोला कि वो तो हमारे यहाँ आज भी हमारी फोकलोर्स में उसकी कहानियाँ हैं। तो इस डाकू की कहानी स्टार्ट करते हैं, मेरी बड़ी फेवरेट कहानी है ये। तो इस डाकू का नाम है कलुआ डाकू। कलुआ डाकू की कहानी ऐसे शुरू होती है कि कलुआ डाकू सहारनपुर से लेके जो ये हरिद्वार वाला है पूरा पैच है, इस पैच में छोटी मोटी डकैतियां करता था। तो 1820s की ये स्टोरी है। 1820 के टाइम पे वो डकैतियां करने लगा, छोटी मोटी डकैती करी है यहाँ पे रायपुर में डकैती करी और फिर भाग गए। तो ये डकैतियाँ धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी। सबसे पहले तो किसी को पता ही नहीं चला कि ऐसी डकैतियाँ हो भी रही हैं, क्योंकि कॉलोनियल रिकॉर्ड्स ये चीज़ मेंशन करती है कि ये डकैती करने के बाद उन लोगों को ज़िंदा नहीं छोड़ते थे, वो उनको मार देता था। तो किसी को पता ही नहीं चला कि डकैतियाँ हो रही हैं। और ये पिलग्रिमेज रूट था हमेशा से, तो लोग बहुत ज़्यादा आते थे और वो बड़ी स्मार्ट तरीके से अपने जो जिसकी डकैती करते थे उसको चुनते थे, सेलेक्ट करते थे, किल हिम। किसी को पता नहीं चला कि डकैती हो गई और वो बंदा भी नहीं रहा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो उस समय पे यहाँ पे फ्रेडरिक शोर थे जो यहाँ के हेड थे, उनको ये स्टोरीज आने लगी कि धीरे धीरे करके इस वाले रीजन में डकैतियाँ हो रही हैं। तो उन्होंने कैप्टन यंग को बुलाया। कैप्टन यंग मसूरी में थे, तो वहाँ से कैप्टन यंग को बुलाया कि वो अपने गुरखा ट्रूप्स को लेके आए और यहाँ पे देखें कि डकैती हो कहाँ रही है और कौन डकैती कर रहा है ये। तो कैप्टन यंग बहुत टाइम तक वैली में मूव करते रहे, पेट्रोल करते रहे, लेकिन कभी पता ही नहीं चल पा रहा था कि डकैती कर कौन रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंगली कैप्टन यंग को एक दिन एक इनपुट मिला कि सहारनपुर में जो ये डकैत है ये वहाँ पर डकैती करेगा। तो उन्होंने क्या किया, कलुआ डाकू को वहीं पे फायर कर दी और कलुआ डाकू के गोली लग गई। सबको लगा 5-6 महीने तक कलुआ डाकू गायब हो गया मूवी से, जैसे बिल्कुल मूवी चलती है। 5-6 महीने तक कलुआ डाकू का किसी को कुछ नहीं पता चला कि कहाँ गया, क्या हुआ। लेकिन 5-6 महीने बाद एक दूसरा नाम सामने आया, राजा कल्याण सिंह। और पता चला कि राजा कल्याण सिंह एक्चुअली में कलुआ डाकू है जो डकैती कर रहा है। और सबको लगा था कि उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ गई। तो जो ये राजा कल्याण सिंह था उसने बहुत ज़्यादा डकैती करना स्टार्ट किया। और उसका एक लेफ्टिनेंट था भूरा। तो भूरा के साथ मिलके उसने इंस वाले एरियाज पे पूरा का पूरा डकैती करना स्टार्ट किया। सबसे ज़्यादा डकैती हुई रायपुर में। और इनका अब पैटर्न भी चेंज हो गया था। अब ये लोग क्या करने लगे, ये लोग गांव में डकैतियां करने लगे। और गांव में डकैती कैसे करते थे कि ये लोग जाते थे अपने हथियार को वहाँ पे गड्ढा खोदते थे, वहाँ पे अपने हथियारों को छुपा देते थे। और उसके बाद एक एक करके इनके जितने भी डकैत होते थे सारे के सारे गाँव में आने लगे। और वहाँ पर जैसी रात हुई वैसी हथियार निकाले, गाँव में डकैती करी और गायब। किसी को कुछ नहीं पता कहाँ डकैती, कब डकैती करी, किसने करी और कौन था। तो ये डकैतियाँ और ज़्यादा बढ़ने लगी। वापस कैप्टन यंग को बुलाया गया। इस बार कैप्टन यंग काफ़ी अच्छी अपनी ट्रूप्स के साथ आए, गोरखा ट्रूप्स के साथ, और वापस पेट्रोलिंग स्टार्ट की। तो कहते हैं कि एक बार
रायपुर में जब डकैती हो रही थी तो उनको फिर से इनपुट मिली कि गांव में लोग आ गए हैं, कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो गांव के पार्ट नहीं है लेकिन वो धीरे धीरे करके गांव में आते जा रहे हैं। तो उसी दिन कलवा डाकू के जो ये राजा कल्याण सिंह था वो लोग आने लगे, और जैसे ही कैप्टन यंग को ये चीज़ पता चली तो कैप्टन यंग ने अपने ट्रूप्स के साथ अटैक कर दिया, और अटैक किया तो उसमें जो हमारा कलवा डाकू है या राजा उर्फ राजा कल्याण सिंह, उसकी मौत हो गई। सबको लगा डकैती तब भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन डकैती ख़त्म नहीं हुई। जो उसका लेफ्टिनेंट था भूरा, उसने थानो एरिया से कहते हैं कि 100 लोगों को, अपने 100 और जनों को शामिल किया, एंड ही स्टार्टेड प्लंडरिंग अगेन बहुत ज़्यादा। ये पूरा का पूरा इंसिडेंट चले 1825 तक। कहते हैं 1825 में फाइनली वो पकड़ा गया, और जो भूरा को पकड़ा गया तो भूरा का जो जब भूरा को इन्होंने एग्जीक्यूट किया तो उसका जो गला था वो परेड ग्राउंड में रखा गया कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ करेगा तो उसके साथ ये होगा, उसको इस तरीके से सज़ा मिलेगी। और 1825 में फाइनली ये चैप्टर ख़त्म हो गया इन डाकुओं का यहाँ से। लेकिन जो कॉलोनियल रिकॉर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग ये स्टोरी है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग इस तरीके से प्लंडर करते थे। जो आज भी फोकलोर्स हैं, अगर कोई कभी वन गुज्जर से जाएगा तो किसी भी वन गुज्जर से पूछ सकता है, उनकी फोकलोर्स में बहुत ज़्यादा कल्याण सिंह जिंदा है। उनके अकॉर्डिंग राजा कल्याण सिंह सिर्फ उनकी मदद करता था, और वो कॉलोनियल जो रिजीम था उसके अगेंस्ट में वॉइस रेस करता था। इस वजह से जो ये कॉलोनियल मास्टर्स थे हमारे, इन लोगों ने उसको एंड किया एंड क्रिएटेड दिस होल स्टोरी कि वो सिर्फ प्लंडर करता है, वो प्लंडर नहीं करता था। और कहते हैं वो लोग ये भी मानते हैं कि अगर वो प्लंडर करता था, वो लूटता था, तो वो सिर्फ उन लोगों को लूटता था जो लोग गलत करते, वो जो सिंपल पिलग्रिमेज होते थे, जो पिलग्रिम्स के लिए आते थे, उनको नहीं लूटता था। वन गुज्जर कलुआ डाकू था, बट आई थिंक जो स्टोरी है वो यही है कि जो वन गुज्जर्स होते हैं, सॉरी जो डकैच होते हैं, टेक नेम्स, उनका कोई ऐसा वो नहीं है। एक्चुअली वन गुज्जर्स इज अ सुन्नी कम्युनिटी, वो लोग हैं, बट उनके जितने भी रिचुअल्स हैं, वन गुज्जर्स हैज़ द स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशंस ऑफ गोत्र, उसमें गोत्र भी हैं वन गुज्जर्स में। तो जो हमारा एक परसेप्शन है कि वो सुन्नी कम्युनिटी है, उनकी बिल्कुल वैसी प्रैक्टिस नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। तो भैया मैं 500 टू 600 मीटर वॉक करना है, तो अभी जा रहे हैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ, और लोग भी आ रहे हैं। एक रास्ता नीचे जा रहा है, एक रास्ता ऊपर, हमें ऊपर जाना है।